पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कथित तौर पर शामिल गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लाया गया है। वहीं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 10 दिन के लिए दिल्ली पुलिस के रिमांड पर भेज दिया है। सुरक्षा कारणों से सचिन बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट की हवालात में पेश किया गया। उसे अजरबैजान से प्रत्यर्पित किया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट पेशी के दौरान सचिन बिश्नोई ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। कमांडो ने चारों ओर से सुरक्षा घेरा बना रखा था। इस तरह से पूरा ऑपरेशन रहा, उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अगस्त 2022 में एक मीटिंग करी थी सीपी डेली साहब के साथ और डीजीएनआईए भी थे, जिसमें उन्होंने टास्किंग करी थी और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को विशेष तौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स पे, नार्को टेरर पे काम करने के लिए। तो उसके तहत तीन हमने अलग अलग केसेस दर्ज किए थे, जिसमें एक लॉरेंस काड़ा सिंडिकेट पे था, एक कौशल चौधरी लक्की पटियाल पे था और तीसरा नार्को टेरर के वर्टिकल पे था। तो उसी के तहत कुछ महीने पहले, जैसा आपको पता है, दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से लाया गया था, एफबीआई के साथ ज्वाइंट एफर्ट था। और लास्ट ईयर 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस पे प्रयास करता रहा है, जिसके तहत आपको बताया कि जो शूटर से उनको पकड़ा गया, अलग अलग मॉड्यूल्स को और इनके कॉमन कॉन्स्पिरेटर को पकड़ा गया। तो उसी के चलते आज सुबह अजरबैजान से सचिन थापन को एक्स्ट्राडाइट किया गया है, उसकी अरेस्ट डाल ली गई है और आगे पुलिस कस्टडी रिमांड लेके जो कार्रवाई बनती है उसको अमल में लाया जाएगा। सर, सचिन थापन का रोल क्या था, क्योंकि जैसे ही मर्डर हुआ तो वो यहां से फरार हो गया। सचिन थापन देखिए लॉरेंस का करीबी है, उसके गांव का है और एक तो अभी बड़ी अर्ली स्टेज है इंटरोगेशन की, जैसा कि उसने बताया कि एक तो बोलेरो जिसपे सिद्धू को चेज किया गया वो सचिन थापन ने ऑर्गेनाइज कराई। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि जो चारों शूटर थे एक मॉड्यूल में और दो दूसरे में थे, वो वारदात के बाद अलग अलग बंट गए और जो जगरूप रूपा थे और मनप्रीत मानू था वो अलग चले गए और AK-47 और पिस्टल उनके पास कुछ रह गए जो उनके पास वो कैरी कर रहे थे। जो बाकी चार लोग थे, जिसमें दीपक मुंडी था, अंकित सरसा था, प्रियव्रत फौजी था, कशिश केशव था, तो ये अलग हो गए। इनके वेपन जो थे वो रोहित गुदारा के पास गए, तो रोहित गुदारा का भी इसने जो वेपन उसको गए उसके बारे में भी सचिन ने बताया कि इसने ये जो वेपन हैंडलिंग वाला पार्ट भी इसने ऑर्गेनाइज किया था, पिचिन किया था। इसके अलावा अभी तो अर्ली स्टेज ऑफ इंटरोगेशन है, जो कोई चीज सामने आती है और जो हम पब्लिक डोमेन में आपसे शेयर कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। सर, एक तरह से उसने चैलेंज किया था, जब बाहर से जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा था कि मैं इसमें शामिल हूं, चैलेंज किया था, तो किस तरह से उस समय कार्रवाई की गई थी, क्या उसने बताया था तब? देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया, एक्चुअली ये हमारी जुरिसडिक्शन में नहीं था, तो लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड बहुत ही ब्रेजन टाइप का केस था और क्योंकि पहले इनके वर्टिकल पे ऑलरेडी स्पेशल सेल ने काम कर रखा था, उनके राइवल वर्टिकल पे भी कर रखा था, तो इसलिए स्पेशल सेल को उसी टाइम से हमने टास्किंग करी थी डिफरेंट टीम्स की। तो चैलेंजिंग था क्योंकि केस हमारी जुरिसडिक्शन का नहीं था और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, लेकिन जो एग्जिस्टिंग केस थे हमारे पास, तीन हमारे पास काउंटर इंटेलिजेंस के केस थे सीआई सेल के और दो हमारे पास न्यू दिल्ली रेंज के केस थे जिसमें मकोका का भी केस था, तो उन्हीं में जो पेपर कार्रवाई थी वो लगातार इसको अमल में लाया गया, जिसके कारण से आरसीएन खुला और कोर्ट में भी वहां पे चैलेंज हुआ, लेकिन नीचे की कोर्ट के हारने के बाद ऊपर की हाई कोर्ट में भी जब ये हार गए तो फिर इसकी एक्सट्राडिशन का रूट क्लियर हो गया। कितनी टीम इसमें? तो मल्टीपल टीम्स थी, मतलब गिनती नहीं है, क्योंकि मतलब हर रेंज ही हमारी अलग अलग टास्किंग थी और अलग अलग काम कर रही थी। सर, अभी तक इसमें सचिन ने बताया क्योंकि वो क्यों, जैसे वो वारदात को अंजाम दिया, फरार हो गया था, बाहर चला गया देश के, क्या बताया था, क्या जानकारी मिली थी? नहीं, उस इनको थोड़ी लगती थी, इम्यूनिटी लगती थी कि भाई बाहर जाएंगे तो इतना इजी नहीं है बाहर की जुरिसडिक्शन से लाना और बड़े कम एफर्ट जो थे पहले सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि तमाम एजेंसीज की कोऑपरेशन के कारण पहले दीपक बॉक्सर को लाया गया, अब सचिन थापन को लाया गया। सर, अब गोल्डी बरार, क्योंकि अब इस पुलिस का एक ये कड़ी रहती है, गोल्डी बरार
तो क्या इसको देखिए, हम फ्यूचर के बारे में नहीं बोल सकते और गोल्डी जो है आई थिंक मेन केसेस पंजाब के हैं, लेकिन हमारे भी ऑर्गेनाइज जो केसेस हैं उनमें जो भी रोल बनता है, जिसका भी बनता है, मैं इंडिविजुअल स्पेसिफिक की कोई बात नहीं करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन है वो देखो लगातार चलती रहती है, उसके चलते आगे जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी तो आपसे हम शेयर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, न्यूज़ टॉक।